जय हिंद, वेलकम टू डे एग्जाम क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज है 19 सितंबर 2021। 19 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर के जितने भी वीकली करंट अफेयर्स हैं वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों हिंदी वीकली करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं वो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, या इन क्वेश्चनों को आज हम करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, गुजरात राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, सुबोध राघवेंद्र, महेंद्र सिंह पाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इज करेक्ट, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इटालियन ग्राफी 2021 का खिताब किसने जीता? जिन कॉटर्ड, डेनियल रिसार्टो, विलिस्को सैरफो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डेनियल रिसार्डो ने जीता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, उत्तराखंड राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष कौन बने? विजय गोयल, सुरेश नारायण, नीरज यादव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विजय गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यावो के सीआई कौन बने हैं? मैन्यू सिंपो, लियू सेबे, जिम नेजॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिम लेजॉन यावो के सीआईओ बने हैं। अगर इन क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, और जिसका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिससे आप डायरेक्ट इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दुबई वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बना? गुजरात, बिहार, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, कोको गॉफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका, डेनियल मेदवेदेव ने। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल मैगनीज टाइम आउट की विश्व के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? सैन फ्रांसिस्को, मॉस्को, टोक्यो, पेरिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सैन फ्रांसिस्को। किसने दैनिक वेतन भोगियों के लिए साथी कार्ड लॉन्च किया है? सुरेश रावत, महेश नागपाल, दुष्यंत देव, आदित्य चोपड़ा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका, आदित्य चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन, एसपीसीएल ने किस शहर में अपना पहला ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? गांधीनगर, मुंबई, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंध्र प्रदेश राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? विनोद वाजपेयी, मदन गोपाल जैन, डॉक्टर समीर शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका, डॉक्टर समीर शर्मा को आंध्र प्रदेश राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर, 12 सितंबर, 10 सितंबर, 7 सितंबर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका, 16 सितंबर को मनाया गया विश्व ओजोन दिवस। सितंबर 2021 में किस अभिनेता को दुबई का गोल्डन वीजा दिया गया है? बोनी कपूर, मनोज वाजपेयी, शाहरुख खान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका, बोनी कपूर। पेप्सिको ने किस राज्य में 1814 करोड़ रुपए का
फूड प्लांट स्थापित किया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका, उत्तर प्रदेश राज्य ने 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया। किसने किया था? पेप्सिको ने। कोको कोला इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? सोनाली खन्ना, रवीना मेनन, सुरभि सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका, सोनाली खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पश्चिम बंगाल राज्य का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? सौरभ जैन, विकास सुंदरराजन, गोपाल बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका, गोपाल बनर्जी। मालदीव में भारत के नए उच्च आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रफुल्ल शुक्ला, मनु मानवर, विकास द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका, मनु मानवर को। दुनिया का सबसे बड़ा महलवाग जहाज एवर एस किस देश की यात्रा पर गया? नीदरलैंड से रोटरडैम, चीन और ब्राजील, जापान और भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका, नीदरलैंड से रोटरडैम। किस हवाई अड्डे को सीबी ने सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? कुशीनगर हवाई अड्डा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका, कुशीनगर हवाई अड्डे को सीबी सीमा सुरक्षा अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी में डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया? विप्रो, इंफोसिस, इफको, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत का पहला CO2 कैप्चर करने वाला संयंत्र चालू किया? अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टाटा स्टील ने भारत का CO2 कैप्चर करने का संयंत्र चालू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को किस टीवी को लॉन्च कर दिया है? लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, संसद टीवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका, संसद टीवी को। वेस्ट इंडीज के निम्न में से किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने कमेंट्री में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? पैट्रिक पैटरसन ने, कार्ल हूपर ने, विनियन रिचर्ड ने, माइकल होल्डिंग ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका, माइकल होल्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने किस देश के मानवीय संकट के लिए लगभग $1.2 बिलियन की सहायता की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। इसका जो भी ऑप्शन सही होगा वो आपको हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों, ए, बी, सी या डी। तो जिसका सही आंसर होगा दोस्तों वो हमें कमेंट के माध्यम से पता चल जाएगा दोस्तों। तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार करंट अफेयर्स के में रिवीट हो चुका है दोस्तों। इसी के साथ वंदे मातरम।